नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजी और आप हैं मेरे चैनल पर भक्ति लव एंड डिवोशन में, जहां पे हम बात करते हैं हर उस समस्या समाधान की जो हमारे धर्म से संबंधित है। और यहां पे मैं आपको देती हूं आपकी समस्या का एक अपनी तरफ से छोटा सा उपाय जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बात। पर शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, अधिक मास। आज की हमारी संपूर्ण चर्चा अधिक मास के ऊपर है। कब आता है, क्या है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, साथ ही इसके सामाजिक आधार और हमारी धार्मिक बातें जो इससे संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू कैलेंडर में हर साल में एक बार एक अतिरिक्त माह आता है, जिसे अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं और जनसाधारण की भाषा में इसको लौंद का महीना भी कहते हैं। इस मास का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति से संबंधित कार्य, व्रत, उपवास, जप, योग जैसे कार्यों में संलग्न रहती है। तो साथियों, ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में धार्मिक कार्यों को किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपने जीवन को सुधारने में जुट जाते हैं। अब यह बात है कि यह इतना प्रभावशाली और पवित्र क्यों है और यह केवल 3 साल में ही क्यों आता है, बार बार क्यों नहीं आता और इसके इतने विशिष्ट नाम क्यों हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं इस विषय पर कि यह हर साल क्यों नहीं आता। अधिक मास भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रकट होना सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए हर 3 साल में एक बार चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसके अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास लिया गया है। यही हमारा लौंद का महीना है। मल मास क्यों कहा जाता है इसको? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास गंदा होता है, मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, विवाह, गृह प्रवेश, नई वस्तुओं की खरीदारी आदि नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों, इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का ही एक आगे आने वाला और समाज के लिए गठा गया एक अपना स्वरूप ही है। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा सुनने को मिलती है। भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया, किंतु अधिक मास सूर्य और चंद्रमा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इसके लिए मतलब हमारे इस अधिक मास के लिए
कोई राजा नहीं मिला, कोई देवता उसका अधिपति बनने के लिए तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। तो चलिए इसका पौराणिक आधार और सामाजिक संबंध जानते हैं। अधिक मास के लिए हमारे वेद पुराणों में बड़ी ही अद्भुत कथाएं हैं जो बहुत सुंदर हैं। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप ने कार्य करना शुरू कर दिया। उसने अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, मना है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने के लिए कहा। तब उसने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। वह वर्ष के 12 महीने में भी मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न तो दिन हो, न रात हो, न अस्त्र हो, न शस्त्र हो। उसे न घर में मारा जा सके, न घर से बाहर। इस वरदान से वह स्वयं को अमर मानने लगा और खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सेना चीर कर उसे मृत्यु लोक भेज दिया। तो आपने देखा, प्रभु ने हर उस बुराई को दूर करने के लिए कुछ न कुछ लीलाएं रची हैं। तो चलते हैं इसके महत्व की ओर। हमारे समाज में अनेक ऐसी बातें होती हैं जो हमसे संबंधित होती हैं। यह भी उतना ही महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन मनन, ध्यान योग आदि के माध्यम से हम अपने शरीर में समाहित 5 तत्व भूतों के संतुलित स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा किए गए प्रयासों से ही समस्त कुंडली दोषों का निराकरण हो सकता है, उन्हें हल किया जा सकता है। अधिक मास में क्या करना उचित है? अधिक मास में हम व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन कर सकते हैं। इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन बहुत ही फलदायी होता है। इस मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप बहुत ही लाभकारी है। अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु स्वयं हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे पापों का शमन करते हैं और हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि इस मल मास में, हमारे इस अधिक मास में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें हम अपना आवश्यक कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अश्वनी मास में इस बार 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये दिन आएंगे। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विनी माह में ही प्रारंभ होती है, परंतु अश्विनी मास में मलमास लगने के कारण 1 महीने के अंतर पर नवरात्रि प्रारंभ होगी। अधिमास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, परंतु इस मास में लगभग 16 शुभ योग हैं जिनमें हम अपने कार्य कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वे क्या हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, ये योग इस मास में 10 बार आएगा। सितंबर की तारीख 21, 26, अक्टूबर की तारीख 1, 2, 4, 6, 7, 9 और 11 अक्टूबर में यह योग रहेगा।
ये योग सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है और हमें सफलता देने वाला। अमृत सिद्धि योग, यह योग 2 अक्टूबर 2020 को अमृत सिद्धि योग में रहेगा। अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों का सुफल दीर्घकालीन होता है। अगर आप अपने किसी सफलता को दीर्घ समय तक अपने पास रखना चाहते हैं या उस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस ही मुहूर्त में कीजिए। द्विपुष्कर योग, तारीख 19 और 27 सितंबर को यह रहेगा। इस योग में किए गए किसी भी कार्य का दुगना फल मिलता है। पुण्य नक्षत्र, 11 अक्टूबर को रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसमें कोई भी आवश्यक शुभ कर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे शुभ मुहूर्त जिनमें हम अपने कार्य इस मास में भी कर सकते हैं। परंतु आप ये ध्यान रखिए कि स्थानीय समय के अनुसार इनमें मतभेद हो सकता है। अधिक मास में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि, मकान, भूमि, भोजन, भोजन, भवन आदि अनुबंध किया जा सकता है। खरीदारी के लिए यह शुभ योग शुभ मुहूर्त देखकर ही करें, जिससे आपके सारे कार्य पूर्ण होते रहें और आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा अधिक मास के ऊपर एक बहुत ही चर्चित विषय है ये। इसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात करें वही कम रहेगा। तो इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपसे एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।